सो दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस या शॉप है तो आपको अपने बिजनेस या शॉप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका बिजनेस या शॉप फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है। दूसरा, अगर आपको कभी भी बिजनेस लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको बिजनेस लोन आसानी से मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, यहाँ तक कि सरकार आपको उस लोन पर सब्सिडी भी देगी। और अगर आपको कभी भी बिजनेस पैन कार्ड की ज़रूरत पड़े या आपको करेंट अकाउंट खुलवाना हो तो इस बिजनेस रजिस्ट्रेशन से आपका ये काम भी आसानी से हो जाता है। इस बिजनेस रजिस्ट्रेशन को उद्यम आधार या MSME सर्टिफिकेट कहते हैं। आप चाहे तो उद्यम आधार या उद्योग आधार घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल से फ्री में बना सकते हैं, जिसका प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया है। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे और जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है सेम उसी स्पेलिंग के साथ यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पर देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई सक्सेसफुली। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप को सिलेक्ट करना है। अगर ये बिजनेस या शॉप आपका खुद का है, आप इसके अकेले मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रोप्राइटरी को सिलेक्ट करना है। फिर अपना पैन कार्ड नंबर देंगे, फिर पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको इसे बारी बारी से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास GST नंबर है या नहीं, तो मेरे पास GST नंबर नहीं है, मैं नो पर सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, एक ईमेल आईडी देंगे, फिर नीचे अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, SC है, ST है, OBC है या जनरल है, तो चलिए हम यहाँ जनरल सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से लिंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं या नहीं, तो मैं नहीं हूँ, नो पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ बिजनेस में आप अपने बिजनेस या शॉप का नाम देंगे, उसी नाम को दोबारा नीचे प्लांट या यूनिट नेम में पेस्ट करेंगे। फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ऐड मोर पर क्लिक करके एक से ज्यादा प्लांट या यूनिट नेम को या बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस बिजनेस या शॉप का लोकेशन यानी कि कंप्लीट एड्रेस देना है। सबसे पहले यूनिट नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे कंप्लीट एड्रेस इसका देंगे, जैसे कि फ्लैट, डोर या ब्लॉक नंबर देंगे। फिर नेम ऑफ प्रीमिसेस या बिल्डिंग नेम देंगे। फिर विलेज या टाउन का नाम देंगे, ब्लॉक का नाम देंगे। फिर रोड, स्ट्रीट या लेन का नाम देंगे। फिर सिटी, फिर पिन कोड। फिर यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके यहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट करेंगे। ऐड प्लांट पर क्लिक करते ही आपका ये एड्रेस यहां पर ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो यहां पर एड्रेस को डिलीट करके दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर आपको अपने इस बिजनेस या शॉप का ऑफिशियल एड्रेस देना है। अगर आपका ये एड्रेस ही ऑफिशियल एड्रेस है तो उसी एड्रेस को दोबारा नीचे आप टाइप कर सकते हैं। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो सिंपली आप NA ही सेलेक्ट रहने देंगे। अगर है तो यहाँ पर प्रीवियस UM नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको उसका UM नंबर देना होगा, तो हम NA ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है, यानी कि आपको ये बताना है कि आपने इस बिजनेस को या इस शॉप को कौन से डेट में किस ईयर में शुरू किया है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको उस डेट और ईयर को सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आपने इस बिजनेस या शॉप को शुरू किया है। सेम इसी डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी ऐड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से भी उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल देंगे, यहाँ पे बैंक नेम लिखेंगे, उसका FSC कोड लिखेंगे, फिर बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट किसी भी बैंक खाता का यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने इस बिजनेस या शॉप का मेजर एक्टिविटी बताना है। अगर आप इस बिजनेस से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस बिजनेस से सर्विस का काम करते हैं तो सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का, तो सिंपली यहां पे आपको ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने इस बिजनेस या शॉप का NIC कोड सर्च करके सेलेक्ट करना है। NIC कोड का मतलब होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। हर एक बिजनेस या शॉप का अलग अलग NIC कोड होता है, एक पहचान होता है, उस कोड को यहाँ पे सर्च करके आपको सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे जो भी बिजनेस आपका है, जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है, उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे कि अगर आप कोई रिटेल का काम करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है रिटेल। ठीक है, रिटेल टाइप करते ही आपके सामने कई सारे NIC
कोड की लिस्ट आ जाएगी, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी NIC कोड का कैटेगरी आपके बिजनेस या शॉप के कैटेगरी से मैच करता है, सिंपली आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। इस तरह से एक NIC कोड आपके इस कैटेगरी में एड हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल NIC कोड को एड कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग लिखना है। सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करते ही आपके सामने कई सारे लिस्ट आ जाएंगे, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। और जिस भी कैटेगरी से आपका बिजनेस या शॉप मैच करता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बिजनेस के लिए 2 NIC कोड सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके अपने इस NIC कोड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए 4 NIC कोड सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इस बिजनेस में कितनी महिला या पुरुष काम कर रहे हैं। जितने भी महिला या पुरुष काम कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि 6 पुरुष काम कर रहे हैं और 2 महिला काम कर रही है, और अदर में आपको सिंपली 0 टाइप कर देना है, टोटल 8 हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इस बिजनेस में पिछले साल कितना का इन्वेस्टमेंट आपने करा है। तो कोई भी एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 3 लाख। फिर एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर सिंपली 0 टाइप कर देना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इस बिजनेस से पिछले साल कितना का टर्नओवर हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी आप एस्टिमेटेड अमाउंट टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 4 लाख। अब नीचे आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप इन सारे सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है, और लास्ट वाले 25 नंबर को आपको यस ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर सारा डिटेल देने के बाद आपको लास्टली सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने डिटेल को एक बार ध्यान से पहले पढ़ लें, फिर आप ओके पर क्लिक करें। तो ध्यान से आपको अपने सभी डिटेल को देखने के बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर जो नंबर अभी आपने यहाँ पर दिया है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को देखकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। आपका उद्यम आधार बन चुका है। नीचे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है। फिर अपने उद्यम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए ऊपर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करेंगे जिसे अभी आपने कॉपी करा था। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे जो अभी आपने एप्लीकेशन में दिया था। फिर OTP ऑप्शन में OTP ऑन मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके इस नंबर पर OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल आएगी, ऊपर आपको यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। ये रहा आपका उद्यम सर्टिफिकेट, इसे प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर प्रिंट का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एस PDF पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर PDF के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। आपका ये सर्टिफिकेट आपके फोन में PDF में सेव हो चुका है। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।